नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड हो रही है। घोष के कारोपियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद आरएसएस मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहा है। कोलकाता कांड मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने याचिका दायर की थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। जेपी नड्डा बिहार के दो दिनों के दौरे पर के लिए आज पटना पहुंचेंगे। केरल में सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस सचिवालय तक मार्च करेगी। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे पर आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। बीजेपी विधायक नीतीश रानी ने 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना इलाकों में हिंदू संत महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में दो जनसभाओं को संबोधित किया था। महाराष्ट्र के मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में स्थित टाइम्स टॉवर बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में कामयाबी पाई है। मुंबई के मलाड में निर्माण कार्य के दौरान स्लैब गिरने से 20वीं मंजिल से 6 मजदूर गिर गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज की है। मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र के मंत्री और अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि सबसे पहले महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलना चाहिए, उसके बाद ही सवाल उठेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। संजय निरुपम ने दावा किया है कि जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी एसपी ने सांगली में शिवसेना को कमजोर किया है, वैसे ही उसे पूरे महाराष्ट्र में भी कमजोर करेगी। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि एमवीए विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे की घोषणा करे, वहीं कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। सुबह की सपाट शुरुआत के लगभग 1 घंटे के बाद शेयर बाजार में गिरावट आ गई है। सेंसेक्स में 10:08 पर 707.30 अंकों या 0.86% की गिरावट के बाद 81,493.85 पर ट्रेड देखा जा रहा है। प्याज की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही है। आसमान छूते कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने रियायती भाव पर बिक्री शुरू की है, जिससे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र दाखिल करने का आरोप लगा था। इस मामले में उस पर केस भी दायर किया गया है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 के सामने बड़ी बड़ी फिल्में भी घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। 50 करोड़ में बनी स्त्री 2 की 500 करोड़ क्लब में एंट्री हो चुकी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।